नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और आज सुबह सुबह बहुत दुखद खबर मिली है। जी हां, मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। हार्ट ब्रेकिंग ये न्यूज है। और मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का सुबह निधन हुआ। हिंदुजा हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, 8 दिन से आईसीयू में थे वो लगातार, और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली है। लगातार डॉक्टर की एक बड़ी टीम उनकी निगरानी कर रही थी। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार, न जाने कितने करोड़ों फैंस उनके, जिनके लिए आज बहुत बड़ा ये झटका है, बहुत बड़ी और दुखद खबर है। लगातार वो जब भी उनको प्रॉब्लम हुई मात देते आए, और हमेशा उन्होंने एक अच्छी खबर अपने फैंस को दी सामने आकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। 8 दिन से आईसीयू में भर्ती दिलीप कुमार ने आज हिंदुजा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली है। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है ये। अश्वनी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी, अभी तक तो डॉक्टर ये कह रहे थे कल तक कि राहत की खबर है, वो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ये सभी को तोड़ दिया इस खबर ने। बिल्कुल विपनेश, रात तक की बात है कि हमारे पास यही अपडेट थी कि कह रहे थे कि उन्हें आईसीयू से बाहर लाया गया है और अब वो बेहतर हो जाएंगे। हमेशा की तरह हम सब यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि वो बेहतर हो जाएंगे, वो घर पे आ जाएंगे, अपनी जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो अपनी पसंदीदा पिंक शर्ट पहन के निकलेंगे। हम ऐसे ही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और हर बार हम ये उम्मीद लगाते थे। उनकी तबीयत लगातार खराब रही है। एक महीने में, तकरीबन 2-1.5 महीने में ये दूसरी बार है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, और सुबह सुबह 7:30 बजे ये खबर आ गई कि यूसुफ साहब यानी दिलीप को बारह नहीं है। अश्विनी, ये दुख बहुत बड़ा है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। और हम, आप, पूरा हिंदुस्तान और उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस इसी उम्मीद में थे, दुआएं कर रहे थे कि वो स्वस्थ होकर जल्द लौटेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। मेरे साथ दीपक दुबे भी जुड़ गए हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। दीपक, ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है और कोई यकीन नहीं कर पा रहा है इस खबर पर कि दिलीप कुमार, जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में एक अलग जगह बनाई थी, और आज वो जिंदगी की जंग हार गए। काफी दुखद खबर है। आपको बता दें, तमाम उनके फैंस के लिए, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके तमाम फैंस थे। काफी दिनों से वो बीमार थे। उनकी आपको बता दें कि जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर जलील पारकर ने, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। खार के हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वो वहीं पर भर्ती थे। शुरुआत में ऐसा लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें आपको बता दें कि फेफड़े में संक्रमण हो चुका था, फेफड़े में पानी जो था वो बाहरी परत में काफी भरना शुरू हो गया था, और उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि डॉक्टर जो थे लगातार निगरानी में उनका इलाज कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें जो दवाइयां दी जा रही थी उससे असर भी होना शुरू हो चुका था, वो ठीक होने शुरू हो चुके थे। इस बारे में सायरा बानू ने भी कंफर्म किया था न्यूज 24 से पहले, कुछ दिनों पहले, कि अब उनकी हालत में सुधार लगातार हो रहा है। लेकिन कल अगर रात से बात की जाए तो उन्हें सांस लेने में काफी और दिक्कत होने लगी थी, और अचानक वो हमारे बीच नहीं रहे। सांसें जो थी उनकी थम चुकी थी। डॉक्टर जलील पारकर जो एक बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की हुई है, उनके पारिवारिक डॉक्टर हैं। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जो उनसे जुड़े हुए जो पारिवारिक लोग हैं वो भी कुछ समय के बाद हिंदुजा अस्पताल पहुंचना शुरू हो जाएंगे।